सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, शार्क सर्वाइवल वुल्फ का आर्क मेगा मॉडेड सीरीज का। तो गाइस, आर्क मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल और गाइस सबसे ज्यादा हेल्थ, सबसे ज्यादा डैमेज देने वाला इंडोमेसुरेक्स हम लोग ने पिछले एपिसोड में गाइस टेम कर लिया था। और वो रेक्स है गाइस हमारा अल्फा इंडोमेसुरेक्स, जिसका 2 बिलियन हेल्थ है और गाइस यहाँ पे 10 मिलियन का डैमेज है। तो ऐसे खतरनाक से रिक्स को हम लोग ने पिछले एपिसोड में गाइस यहाँ पे टेम कर लिया था। और अभी आज के एपिसोड में मैं जाके फाइनली अंडा बिंडा हैच नहीं करने वाला हूँ, मैं जाके किसी नए से डायनो को जाके टेम करने वाला हूँ। तो गाइस अभी आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद एनी के चैनल की, तो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो उस थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के और मचाते एकदम बोल्ड होता भाई ना मेरे भाई। वैसे गाइस आज मेरा काफी ज्यादा यहाँ पे मन कर रहा है कि मैं जाके किसी वुल्फ को टेम करूँ। आपको बताइए गाइस कि मुझे टाइगर वुल्फ जो है ना गाइस वो भी कितने ज्यादा पसंद है। तो आज गाइस मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके किसी खतरनाक से टाइगर वुल्फ को टेम करूँ, और वही काम आज हम लोग करने वाले। पहले मैं ट्रांसमीटर पे जाके देखूंगा कि कौन कौन से अलग अलग तरह के टायर वुल्फ गाइस यहाँ पे अवेलेबल है, और उसमें से सबसे ज्यादा ओपी और पावरफुल वाला जो टायर वुल्फ होगा उसको मैं जो है ना गाइस आज के इस एपिसोड में यहाँ पे टेम करूंगा। तो चलिए गाइस ट्रांसमीटर के पास चल दे और फटाफट से देख दे कि कौन कौन से वुल्फ हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है। सो अल्फा टायर वुल्फ है, जिसको मैं देख चुका हूँ, 1500 लेवल का अल्फा टायर वुल्फ है, दैट्स कूल। अल्फा वुल्फ है, प्राइम अल्फा, ओह शिट, ये तो चाहिए गाइस अभी तो, ये तो चाहिए ना गाइस, प्राइम अल्फा वुल्फ गाइस, मतलब अल्फा वुल्फ का प्राइम वर्जन हमको गूगल मिल रहा है और 3000 लेवल का लगभग मिल रहा है। सो इसको तो टेम करना बनता ही है गाइस। आ जाओ, चलो गाइस, चलो देखते हैं गाइस प्राइम अल्फा वुल्फ जो है ना गाइस वो कितना ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पे साबित होता है। और मैं लेके जाऊंगा अपने भाई फायर वाले, हाँ फायर फाइटर को, जो हमारा फ्लेम वाला गाइस यहाँ पे ग्रिफिन है उसको, और इससे हम लोग जो है ना गाइस जाके यहाँ पे उस खतरनाक से अल्फा फायर फायर नहीं सॉरी प्राइम अल्फा वुल्फ को जो है ना गाइस यहाँ पे टेम करने वाले। लोकेशन है 4157 एंड ये लोकेशन जो है ना गाइस बर्फ वाले एरिया में। ठीक है चलो चलते हैं। और अरे भाई इसकी मूवमेंट स्पीड, अरे यार इसकी तो नॉर्मल वाले, ये क्या चीज है समझ नहीं आ रहा गाइस, ओ भाई साहब रिपर थी, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं बोला ये क्या चीज है भाई। गाइस इसकी मूवमेंट स्पीड सच में काफी ज्यादा तगड़ी है फ्लेम वाले की, नॉर्मल जो ग्रिफिन में चलाता हूँ ना गाइस स्नो वाला है, फिर दूसरा उसे काफी ज्यादा तगड़ी जो है ना गाइस यहाँ पे इसकी मूवमेंट स्पीड है, मुझे काफी पसंद आई। फ्लेम वाला गीगा क्या फीमेल है, मेल है यार, काश फीमेल मिल जाता मजा ही आ जाता। ठीक है लोकेशन 57 एंड 41, ठीक है मुझे और काफी ज्यादा इसी डायरेक्शन में उड़ उड़ के जाना है। जो सामने की तरफ आप पहाड़ देख रहे हो गाइस, उस पहाड़ी के ऊपर जब मैं पहुंचूंगा तब मुझे वहां पे वो जो हमारा डायर वुल्फ है ना गाइस वो दिखाई देगा। चलो चलते फटाफट से, आज तो मैं उस डायर वुल्फ को टेम करके रहूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। चलो गाइस यहाँ पे ना यही पे मिलेगा कहीं पे। वैसे गाइस ये वाले बाय में भी काफी खतरनाक से बॉसेस घूम रहे हैं, उन बॉसेस को भी टेम करने का मन तो मेरा काफी ज्यादा कर रहा है, और मैं उनको टेम भी करने वाला हूँ गाइस। ठीक है बहुत ज्यादा जल्दी, वेरी वेरी सुन सुन इज दा गाइस। ठीक है चलो कहाँ पे भाई, 4157, ठीक है 41 पे मैं आ चुका हूँ, ऐसा बोल सकते हो मुझे 51 पे जाना है गाइस। ठीक है और रेड और मुझे शायद से मेरे सांप का इस्तेमाल, मतलब वो नागिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको बेहोश करने के लिए। 4157 सो नहीं भाई, 4157 बस रुक, 41 इधर है, 41 इधर है भाई। डायर वुल्फ कहाँ पे भाई, दिखना तुझे, ये था ये वाला है क्या, कैनिस डेरूस, ए क्या ये कैनिस डेरूस क्या होता है रे, किसका डेरूस बेरूस निकाल रहे हो तुम, ये बाढ़ में जाए मुझे वो किधर है दिखाओ। 4157 अल्फा डायर वुल्फ, 4157 अल्फा प्राइम डायर वुल्फ, प्राइम अल्फा डायर वुल्फ कहाँ पे, या तो यूटी है भाई,
बेटे फुद्दू काट रहे क्या? स्नो उठा ले रहे बाबा रैप्टर 4157 भाई 4157 पे घूम रहा भाई पिछले चार जन्म से मैं, बट मुझे तो यहाँ पे कोई भी वुल्फ दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। थोड़ा सा मैं भी उधर जाना पड़े, वो वाला है क्या? नहीं अरे केनिस बिनिस कुछ दिखाई दे रहा मेरे को 4157। यहाँ पे तो प्राइम अल्फा टायर वुल्फ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को यार। रुको गाइस मैं थोड़ा सा लोकेशन लेके आता हूँ, घर से एग्जैक्ट लोकेशन लेके आता हूँ। तो वुल्फ तो है लेकिन प्राइम वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। एग्जैक्ट ऐसा डेसिमल में भी भाई लोकेशन लेके आऊँगा ताकि मैं फटाक से उसको इजीली ढूंढ पाऊँ यहाँ पे, ठीक है भाई? यार ऐसा होता है गाइस कभी कभी। आ जाओ चलो मुझे लोकेशन देखने दो। वुल्फ की प्राइम वाले, वुल्फ की प्राइम अल्फा वुल्फ 4843। वो मर गया भाई इसका 4843, उसकी पेटी बना दी गई गाइज, ठीक है? वो जो वहाँ पे जो वुल्फ था ना उसकी भाई बैंड बजा दी गई। वैसे उसकी बैंड किसने बजाई होगी ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चलो गाइज उसी के थोड़ा सा दूर जो है ना गाइज मुझे एक और प्राइम अल्फा डायर वुल्फ मिल रहा है, सो मैं जाके उसको डेम कर रहा हूँ गाइज, ठीक है? चलो लोकेशन है 4843, बोले तो इस तरफ मुझे जाना है, ठीक है? 4843 पे हमको हमारे सर जी मिल जाएंगे गाइज, ठीक है? 4843 4843 सही जा रहा हूँ ना? ओके थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा उठना है, और सामने वाला जो पहाड़ देख रहे हो वो वाला, उस पहाड़ पे मुझे मिल जाएगा गाइज अपना वो ग्रिफिन 4843 ना। चलो इजीली पहुँच जाऊँगा गाइज। ये ग्रिफिन की मूवमेंट स्पीड भी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है 4843। चलो लेट्स गो बॉयज, कम ऑन भाई जल्दी, और भाई तेज उड़ने वाला कोई डायनो चाहिए यार। 4843 पे पहुंच गया मैं। 48 किधर है भाई? 48 इधर है, 43 ना, हाँ 43 48 इधर है, इधर जाना है, मैं गलत जा रहा था थोड़ा सा, ठीक है? 43 पे पहुंच गया, 48 पे जाना अभी, देखते हैं 43 48। हाँ बस रुक जा, 44 पे पहुंच गया। 43 कहाँ पे? ये जो दिखाई दे रहा है ये है क्या? बॉस ही क्या कोई ये वुल्फ? अरे यार ये तो बॉस है भाई, ची बे व्हाट इज दिस बिहेवियर हैं? ऐसा गेम में चीटिंग होएगा तो मैं नहीं खेलेगा रे बाबा, पहले बता रहा मैं। मारते भी उस बॉस को मार रहा है तो यार, वो तो बॉस निकला भाई, ची भाई। अच्छा भाई मुझे ये एंडोमेसरिक्स काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, एकदम फुल डार्क डार्क घिसदा। रुको रुको भाई, इसका अंडा डापने की पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है? कैसा है बाबा स्नो वर्सेस गाइज? स्नो वर्सेस होने वाला है गाइज अभी यहाँ पे, फायर स्नो वर्सेस फायर। अंडा दिया क्या? इतने जल्दबाजी में मारा अंडा कहाँ से देगा भेज क्या को? चलो गाइज एक काम करता हूँ, घर के साइड में ना मुझे एक अल्फा वाला डायर वुल्फ दिखाता हूँ, मैं चुपचाप जाके उसी डायर वुल्फ को टेम कर लेता हूँ, ठीक है? काफ़ी ओपी सा डायर वुल्फ था, घर के साइड में था, बाजू में था ऊपर से, तो उसी को जाके टेम कर लेता हूँ। और इतना ज़्यादा इधर उधर ढूंढने से अच्छा मैं जाके उसी को टेम कर लूँ, वरना बाद में जाऊँगा भाई एक तो और लोकेशन लेके बाद में पता चलेगा वहाँ पे भी भाई ये वो फलाना जरा मरा पड़ा है, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है? चलो लेट्स गो बॉयज। अल्फा वाला डायर वुल्फ प्राइम वाला जो है ना गाइस वो हम शायद से बना सकते हैं, ठीक है? मतलब डायर वुल्फ को मैं अगर टेम करूंगा ना नॉर्मल अल्फा वाले को, तो शायद से मैं उसको प्राइम वाला इवोल्यूशन दे सकता हूँ, तो वो भी ट्राई करेंगे अपन। पहले टेम कर रहे तो उसके बाद पता चलेगा उसका इवोल्यूशन है कि नहीं। ये रहा, इट्स टॉर्पर इज 1 मिलियन, ओके ठीक है, लेट्स कूल प्रो, लेट्स कूल, देयर इज अ रैप्टर हियर, ओके चलो अनदर वन, इट इज डेड, ओके चलो अभी अपन लोग अपने सांप को बुलाते हैं, ओके चलो भाई भाया घूम जाओ भाया, हाँ अभी घूमना भेज गया, हाँ घूम गया, चलो इसको एक बाइट अटैक कर, हाँ बस कुछ ना करना, कुछ नहीं करना, बस एक बाइट अटैक दे दिया ना बाकी तो काम 25 हो ही जाएगा इजीली, हो गया बेहोशी हो गया, ठीक है चलो उसे पर तो अच्छी बात है मेरे को देख नहीं रहा भाई साहब। क्या चाहिए आपको? मीट? अरे मीट की कमी है क्या? लग रहा तो है करके। अरे यार मेरे पास मीट, हाँ हाँ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, मुझे लगा मेरे पास मीट ही नहीं है। चलो गाइज हो गया भाई अपना डायर वुल्फ गाइज यहाँ पे
तुरंत ही टेम कितना खाएगा, खा लिया भाई, हो गया टेम। ओ ये अल्फा डायर वुल्फ, वैसे गाइस इस अल्फा वाले डायर वुल्फ का जो ना गाइस मेरे हिसाब से कोई भी इवोल्यूशन शायद से नहीं है, जिसके अंदर इवोल्यूशन पोशन विशन बना के डाल के उसके बाद इसको इवोल्व करना पड़ेगा। मे बी इन्वेंट्री में तो इसका कोई इवोल्यूशन नहीं है। बाकी गाइस आप देख ही सकते हो कि तुम्हारे भाई के पास आ चुका है एक डायर वुल्फ, लेट्स गो। अरे बेस क्या टेम करा नहीं कि एनिमी गाइस आजू बाजू घूमना चालू, उसको लेवल अप करने दो। अरे यार ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से तो, ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है गाइस डायर वुल्फ, क्योंकि इसकी हेल्थ भाई काफ़ी कम गई है यहाँ पे। कितनी हेल्थ गई है, 3 मिलियन मात्र। अबे तेरे को तो एक फटके में कोई भी उड़ा दे यार भाई, उतना भी ओपी नहीं है यार डायर वुल्फ। मुझे तो वो सेबर तो टेम करने का मन कर रहा है। क्या नाम है भाई तेरा, 2000 लेवल का फ्लेम सेबर तो टाइगर है भाई, इस टाइगर को टेम करेंगे गाइस कल वाले एपिसोड में। ये वाला तो वैसे आखिरी एपिसोड है आज का। अरे भाई मार खाएगा बाबा, बहुत गंदा मार खाएगा गाइस मुझे लग रहा है यार ये तो भाई, इससे तो नहीं होने वाला यार भाई। ऊपर से भाई स्टन भी हो रहा हूँ मैं स्टन हो गया था गाइस उस शॉक वाले जो है ना गाइस सेबर टूथ से। भाई साहब ये जो है ना गाइस मुझे बिल्कुल भी पसंद आया नहीं गाइस उतना, मतलब जो है ना गाइस ये वाला जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो ना गाइस वुल्फ, वो उतना ज्यादा पावरफुल ओपी नहीं है गाइस, ठीक है ना ही इसके पास। रुक जाओ मैं देखने देता हूँ कि यहाँ पे इसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी विबिलिटी है कि नहीं। रैप्टर भाई मार खाने का तेरे को भाई, कब से देख रहा हूँ भाई पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है मेरे को भाई, ठीक है मेरी नहीं मेरे को, रुको। चलो गाइस 44,000 का डैमेज गाइस कौन देता है बताओ भाई, जमाने में यार जहाँ पे 10 मिलियन डैमेज देने वाले डायनोज में टेम कर रहा हो, वहाँ पे 44,000 डैमेज देने वाले डायनो क्या कर पाएगा बताओ मेरे को। चलो देख दे गाइस, चलो 5 मिलियन भाई की हेल्थ में कर देता हूँ, ताकि मतलब किसी से भी एक हाथ बटके में ना मर जाए, ठीक है। और मेरे को किसी से भी इससे जो है ना बॉस से भाई पंगा नहीं लेना इस भाई वुल्फ के ऊपर बैठ के। और अटैक की बात करूँ तो इसके पास बाइट अटैक के अलावा और कोई अटैक नहीं है। मुझे लगा था सीबी पे कोई अटैक होगा, लेकिन ये चिल्लाने के अलावा और कुछ कर नहीं रहा यार। ये फोकट में टेम कर लिया मैंने, वैसे गाइस मुझे चुल मची थी एक वुल्फ को टेम करने की, मैंने टेम कर लिया और मेरी चुल मिट चुके हैं गाइस, ठीक है। वैसे उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है ये, इसको मैं स्टार्ट गेम में टेम करता ना तो अच्छा भाई लगता मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। अगर स्टार्टिंग में मैं टेम करता ना तब, अभी तो मैंने काफ़ी पावरफुल डायनो टेम कर रखे इसलिए इतना ज़्यादा ओपी नहीं लग रहा मुझे। हेलो सर भाई कैसे भाग रहा है तुरंत, अरे 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 अबे स्पीड बूस्ट लगा दिया क्या, भग बीच क्या भाई, बंदर थे शंदर, कैसा बंदर राजा, शॉक वाला नहीं फ्लेम वाला नहीं है क्या, नहीं यार शॉक वाला मिल रहा है। बेसिक रेगुलर क्या खाएगा, बेसिक केबल क्या, तो कोई इसको बेसिक केबल खिलाता भाई। एक बंदर को टेम कर लेते हैं ना बाबा, क्या बोलते भाई लोग, शॉक वाला है कंधे पे रख देंगे, हाँ मेरी जान लेट्स गो, तेरे भाई के कंधे पे बैठे रहेगा कैसे मैं चाहिए। वैसे इसकी हेल्थ ना मैं एकदम तगड़ी वाली कर देता हूँ, रुका मैं इसको घर पे लेके चलता हूँ, पहले तो इसको घर पे लेके चलते हैं। मुझे फ्लेम वाला चाहिए था, फ्लेम वाला बंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और फ्लेम वाले बंदर जो है ना गाइस या फिर जो भी डायनो पकड़ लो आप, फ्लेम वाला वर्जन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हर एक डायनो में, फ्लेम वाला वर्जन, ठीक है। ये रे भाई शॉक वाला वर्जन उतना पावरफुल नहीं होता, और मैं इसको जो ना गाइस यहाँ पे रुक जा पहले क्रायो करने दो मुझे इसको, फिर उसके बाद मैं इसके जो ना गाइस हेल्थ में ही पॉइंट डालूंगा, ताकि ये कहीं पे जाके जो ना गाइस मर भी ना जाए। एक्सपी पोशन है क्या, इम्प्रूव नार्कोटिक एक्सपी पोशन है, टाइम एक्सपी पोशन, 2 एक्सपी पोशन खिला देता हूँ ताकि इसकी मैक्स लेवल अप हो सके, और मुझे तो ज़्यादा पॉइंट नहीं डालने इसके डैमेज इमेज में, बट मैंने थोड़े से डैमेज में पॉइंट डाल दिए, मैक्सिमम पॉइंट में इसकी हेल्थ में डालूंगा। 50 मिलियन हेल्थ है इसकी, ये मत बोलना ये बंदर की भी भाई 100 मिलियन हेल्थ हो गई, 10 मिलियन होगी मेरे हिसाब से, 10 मिलियन हेल्थ है ना मेरे भाई। वैसे 10 मिलियन हेल्थ है तो कोई भी इसकी इजीली डाउन कर देगा, लेकिन कोई ना, चलो गाइस कोई ना। तो भाई लोग तेरे भाई के पास एक शॉक वाला प्यारा प्यारा सा छोटू मोटू सा बंदर, भाई सब क्या बिजलियाँ निकल रही है यार भाई, ग्लो आ गया तेरे भाई के फेस पे देख रहे हो, ग्लो आ गया इसको जो है ना कंधे पे बिठाने के बाद, इसकी जो बिजली है ना गाइस वो मुझे लाइट दे रही है अभी, देखना गाइस अभी देखो ना अभी भी ग्लो ही है इसको भाई कंधे पे लेने के बाद, थोड़ा सा ऐसा थौर का बच्चा लग रहा हूँ मैं भाई, बिजलियाँ निकल रही है गाइस ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से। बाकी गाइस ये वुल्फ जो है ना गाइस जो हम लोग ने अभी यहाँ पे टेम करा आपको कैसे लगा बताओ मुझे ना, मैं बताओ सच मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये, ठीक है। मैंने गाइस ऐसे इसको टेम कर लिया, मुझे लगा था गाइस की पावरफुल होगा, डैमेज भी तगड़ा वाला देगा, बट उतना पावरफुल गाइस ये निकला नहीं, तो मुझे जो है ना गाइस इतना ज़्यादा पसंद आया नहीं।
बाकी आपको कैसे लगा गाइस ये बुल्ब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आज का हमारा ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में कल सीधा आपसे, तब तक के लिए बाय। बाकी अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और गाइस हमारे वुल्फ के लिए, और अगर वुल्फ के लिए नाम नहीं देते चलेगा, लेकिन इस बंदर के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में मांगते हैं भाई, ठीक है। तो फटाफट इस बंदर के लिए अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट में जरूर डाल देना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय गाइस, सी यू लेटर। For you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get